हे गाइस, मेरा नाम है प्रागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ डबल एंगल सेक्शन बैक टू बैक ऑन ईच साइड ऑफ गसेट प्लेट के बारे में, जो कि स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन का एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल हम कंप्रेशन मेंबर यानी स्ट्रट के रिगार्डिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे नहीं पता, लेकिन वो लाल बटन दब जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक डिजाइन ऑफ डबल एंगल सेक्शन के बारे में, जो कि हम बैक टू बैक कनेक्ट करने वाले हैं ऑन ईस्ट साइड ऑफ गसेट प्लेट, जो जिसकी थिकनेस हमें 8 mm दी है। फॉर अ कंटिन्यूस प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ ट्रस टू कैरी फैक्टर्ड लोड ऑफ 250 kN सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ अ मेंबर बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ कनेक्शन इज 2.5 मीटर। ओके, सो हमारे पास क्या क्या है? उन्होंने हमें थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट दी है, हमें फैक्टर्ड लोड दिया है और हमें लेंथ दी है। सो अगर आपको फैक्टर्ड लोड नहीं दिया रहता तो आपको क्या करना पड़ता? जो लोड दिया है, मतलब अगर सर्विस लोड दिया रहता या वर्किंग लोड दिया रहता, तो आपको इसको 1.5 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ओके, सो अभी हम इस प्रोसेस, इस पूरे पूरे डिजाइन में क्या होता है ना, आपको डिजाइन का कंसेप्ट बता रहा हूँ। डिजाइन में हमेशा आपको लोड दिया रहेगा और एक आधी लेंथ या फिर और डायमेंशन दिया रहेगा, आपको उसका यूज करके पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मान के चलो कि इन्होंने बोला है कि यू हैव टू, यू नो, जो भी आप यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, जो भी आप यहाँ पे डबल एंगल सेक्शन जो लगाने वाले हो, ठीक है, उनके हिसाब से यहाँ पे मैं एक डबल एंगल सेक्शन बनाता हूँ पहले। ठीक है, अभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि आप इक्वल एंगल सेक्शन लगाओ या अनइक्वल एंगल सेक्शन, दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जो लगाना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल सेक्शन है, दिस इज अवर फर्स्ट एंगल सेक्शन। ठीक है, ओके, और ये हमारा दूसरा एंगल सेक्शन। क्लियर, तो ये हो गया इसकी L1, चलो इसको मैं L1 बोल देता हूँ, और ये होगी मेरी L2। सिमिलरली ये भी होगी मेरी L2 और ये होगी मेरी L1। ठीक है, क्लियर। अब और इसको मैंने किया बोल्ट से, बोल्ट मार दिए मैंने इसको, यहाँ पे भी बोल्ट मार दिए और यहाँ पे भी एक बोल्ट मार दिया। क्लियर, सो अभी बात ऐसी है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में अभी यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इस एंगल का साइज क्या पता करना पड़ेगा, मतलब व्हाट इज L1, व्हाट इज L2 और थिकनेस क्या रहेगी, वो इन दोनों एंगल का तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसमें बोल्ट है या वेल्डेड है, वो कितना बोल्ट लगेंगे, कितने वेल्ड का साइज लगेगा, कितनी थिकनेस लगेंगी, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपकी डिजाइन बनेगी। ठीक है, सो देखो, इसको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर, सो स्टेप नंबर वन आप हमारी ऐसी होती है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फॉर अप्रोक्सीमेट एरिया रिक्वायर्ड। अप्रोक्सीमेट एरिया मतलब होता क्या है, पहले वो समझ लो। देखो, अप्रोक्सीमेट मतलब क्या होता है कि ये जो पूरा यहाँ पे मैंने एंगल सेक्शन बनाया है, जो भी मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, ये कितना एरिया कैरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ये लोड, मतलब जो आपको 250 इंटू 10^3 न्यूटन का जो लोड दिया है, ठीक है, उस लोड के हिसाब से आपका कितना क्या एरिया आपको रखना चाहिए ताकि ये लोड कैरी कर सके, उतना एरिया आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? 250 मतलब फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय एफसीडी। एफसीडी हमेशा कंप्रेशन मेंबर के लिए हम 60 to 90 अजूम करते, तो हम यहाँ पे 90 अजूम कर रहे हैं, यू कैन अजूम 60 ऑल्सो। तो आपको एक एरिया मिला जो कि आ गया आपके पास 2777 ओके एमएम स्क्वायर, ही आपके पास एरिया आ गया। नाउ अब ये एरिया किसका आया, ये एरिया हमें, ये जो लोड दी है ये डबल एंगल के लिए दिया है, सो ये जो एरिया हमें मिला है, दिस इज फॉर टू एंगल सेक्शन, ओके, फॉर टू एंगल सेक्शंस, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, इसको वन एक एंगल के लिए कितना लगेगा ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन एंगल मुझे वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, ये जो एरिया आया है उसको हम दो से डिवाइड कर देंगे, मतलब जो अप्रोक्सीमेट एरिया आया है उसको हम दो से डिवाइड करेंगे, तो आपको वैल्यू मिलेंगी कितनी, 1388.88 mm², जिसको मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। क्यों? बिकॉज हमारा जो स्टील टेबल होता है, ठीक है, इन योर स्टील टेबल ऑल वैल्यू, ओके, स्टील टेबल ऑल वैल्यू आर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर, नाउ अभी हम बात करते हैं जो हमें एरिया मिला है, उस एरिया को ध्यान में रखे हम एक एंगल सिलेक्ट करेंगे, दो एंगल सिलेक्ट करेंगे जो इक्वल, चलो हम इक्वल एंगल सिलेक्ट करके देखते हैं। तो मैंने स्टील टेबल में जाके, इक्वल एंगल सेक्शन में जाके, मैंने 75 by 75 by 10 mm थिकनेस का एक मैंने एंगल सेक्शन सिलेक्ट किया है। ओके, ऐसे दो एंगल सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया है, क्यों? क्योंकि मुझे डबल एंगल सेक्शन डिफाइन करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास अभी एक यहाँ पे गसेट प्लेट है, ठीक है, और ये जो है, ओके, इस तरीके से मेरा क्या जाएगा,
क्लियर, इसको थोड़ा अपन मिटा देंगे। ओ मिटी गया पूरा। ठीक है, तो ये जो एंगल सेक्शन है, वन सिंगल एंगल सेक्शन, मैंने इसका डायमेंशन सिलेक्ट किया 75 बाय 75 बाय 10। तो ये 75 होगी ये साइड, ओके, ये होगी मेरी दूसरी 75 साइड, ओके, और ये होगी मेरी थिकनेस जो कि होगी कितना 10 mm। क्लियर, ये मैंने सिलेक्ट किया है। नाउ अभी यहाँ पे अभी आपको लिमिटिंग डेप्थ भी चेक करना होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप होती है आपकी चेक फॉर लिमिटिंग विड्थ टू डेप्थ। वो कैसे चेक करते हैं, जो भी आपकी डेप्थ है, मतलब जो भी आपका एक सिंगल एल साइड है, उसको थिकनेस से आपको डिवाइड करना है, मतलब 175 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइड बाय, मतलब थिकनेस जो हमारी है वो करेंगे, वो आपकी कितने है 75, बराबर है। सो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो सेक्शन है ये 15.7 से कम रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये वैल्यू जो आपके डी बाई टी रेशियो अगर है ये 15.7 से कम आता है, इसका मतलब आपका सेक्शन सेमी कॉम्पैक्ट है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपका सेक्शन सेमी कॉम्पैक्ट कंडीशन में रहना चाहिए जब भी आप डिजाइन करते हो। ओके, नाउ अभी मेरी स्टेप नंबर 3 है, जबकि मुझे, मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें कंप्रेशन मेंबर है तो मैं इसमें वेल्डेड करना चाहूंगा या बोल्टेड करना चाहूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, अगर मुझे इसमें बोला है कि आप बोल्टेड करो तो मैं बोल्टेड ही करूंगा, अगर वेल्डेड करे तो वेल्डेड करूंगा, बट अभी मैं बोल्टेड करना चाहता हूँ, तो मेरी बोल्टेड कंडीशन कैसे बनेगी, यहाँ पे इस तरीके से बोल्ट कंडीशन बनेगी मेरी, बराबर। ठीक है, ये एक बोल्ट कंडीशन बन गई, एक दूसरी बोल्ट कंडीशन मेरी यहाँ पे बनेगी, ओके, इस तरीके से मुझे बोल्टेड कराना है, और यहाँ पे भी एक बोल्ट आएगा अपना। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। सो यहाँ पे डिजाइन, हमारी नेक्स्ट स्टेप है डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। ओके, सो हमारे पास ऑलरेडी थिकनेस दी है, टीजी क्या हो गया, ये हो गया अपनी थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, दिस इज कॉल्ड टीजी, ओके, जो कि 8 mm है। ठीक है, इसको गसेट प्लेट बोलते हैं, जिसके ऊपर हम सेक्शन को फिट करते हैं। तो टोटल लेंथ, टोटल टी एंगल हमारे पास कितना है, मतलब भी मान लो ये जो टी एंगल क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये एक सेक्शन, दो एंगल सेक्शन बनके एक टी सेक्शन बन रहा है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे सो इट बिकम अ टी सेक्शन, ओके, इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप देख रहे होगे तो इट बिकम अ टी सेक्शन, राइट। ठीक है, तो इसकी भी थिकनेस 10 mm की है, इसकी भी 10 mm की है, तो दोनों की 10 + 10 कितनी होगी, 20 mm की थिकनेस होगी, बराबर है। तो ये हो गया आपके 20 mm की थिकनेस। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जो भी डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन के लिए थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट और टोटल टी एंगल की जो थिकनेस है, इनमें से जो भी छोटी होगी, ओके, उसको हम सिलेक्ट करेंगे फॉर अ बोल्ट। ठीक है, तो हमारी थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, थिकनेस ऑफ, थिकनेस क्या अज्यूम करेंगे हम, 8 mm अज्यूम करेंगे, दोनों में से जो छोटी होंगी वो अज्यूम करेंगे। नाउ लेट अस प्रोवाइड, अभी हम, मैं मान के चलता हूँ कि मैं 20 mm डायमीटर का बोल्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसकी ग्रेट रहेगी 4.6, ओके, और Fe 415 उसका ग्रेट रहेगा स्टील का। ठीक है, तो चलो अगर मैंने बोला कि मैं 20 mm का प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा डी हो गया 20 mm, लेकिन आपको एक पता है कि जब मैं होल डालूंगा तो उसके, मतलब जब बोल्ट करूंगा तो उसके लिए होल भी चाहिए, वो होल में हमेशा डायमीटर +2 रहना चाहिए, तो आपका डीएन क्या हो जाएगा, डी +2, मतलब 20 + 2 22 हो जाएगा। FU अभी हमारे पास हो जाएगा 410, क्योंकि हम 4.6 ग्रेड यूज कर रहे हैं। FU भी हो जाएगा हमारा 400, और FU हमारे पास ऑलरेडी 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। दिस ऑल थिंग्स आर वेरी कांस्टेंट, जो FU, FUB, FY जो ये चीज है, ये सारी चीजें कांस्टेंट होते हैं, बिकॉज हम एक ही ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं। ओके, सो नाउ अभी हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एज डिस्टेंस कितना है, पिच डिस्टेंस क्या है, लेकिन सबसे पहले ये चीज आपको समझ लेना चाहिए, ओके, एज क्या होता है, पिच क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको अटैचमेंट्स करके दिखाता हूँ, वेट अ मिनट, सो आपको अच्छी तरीके से समझेगा। मान के चलो कि आपके पास एक सेक्शन है, ओके, इस सेक्शन में, ठीक है, इस सेक्शन में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक बोल्ट यहाँ पे लगाया है, एक बोल्ट यहाँ पे लगाया है, एक बोल्ट यहाँ पे लगाया है, ठीक है, और ये जो मेरी सेंटर लाइन है इनके बीच में से जा रही है, दिस माय सेंटर लाइन गोइंग ऑन, तो ये जो डिस्टेंस होता है और ये इसका सेंटर है, ठीक है, बोल्ट का सेंटर तक का जो डिस्टेंस, मतलब इस कॉर्नर से लेके बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस, दैट कॉल्ड एज द एज डिस्टेंस। ठीक है, और बोल्ट के सेंटर से लेके दूसरे बोल्ट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच डिस्टेंस। ठीक है, इस, ये भी हो जाएगा आपका पिच डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें निकालना होता है, तो अगर एज डिस्टेंस आपको निकालना है तो आपका फार्मूला होता है 1.5 इंटू डीएन, अगर आपको पिच डिस्टेंस निकालना है तो आपको फार्मूला होगा 2.5 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखे दोनों। ठीक है, सो हमेशा एज जो है वो ई से रिप्रेजेंट होता है और पिच जो है वो हमेशा पी से रिप्रेजेंट होता है।
नहीं तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इनटू dn 22 तो आपको मिल गया 33, मतलब 40 मैंने कंसीडर किया, 2.5 इनटू 20 तो 50 है, तो मैंने चलो 60 अज्यूम किया। आप 50 और उतना भी ले सकते हो, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ थोड़ी हायर वैल्यू। ओके नाउ अभी मुझे केबी भी निकालना पड़ेगा, तो उसके तीन फार्मूले हैं, ई अपॉन मतलब एज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3 अपॉन dn, पिच डिस्टेंस अपॉन 3 अपॉन dn, और एफ यू बी अपॉन एफ यू, और 1। इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से जो भी आपकी सबसे कम वैल्यू रहेंगी दैट इज कॉल्ड एज अ केबी। तो इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे। ई इज वॉट 40 जो हमें हमने निकाला यहाँ पे, 3 इंटू डी एन दैट इज आ गया 0.606 पिच, और ये फार्मूला इतना है पी अपॉन डी एन माइनस ऑफ 0.25। ओके तो ये आपको मिलेगा 60 डिवाइड बाई 3 इंटू 22 माइनस 0.25, तो ये मिल गया आपको 0.659। एफ यू बी अपॉन एफ यू मिल गया 0.976, और 1 ये कॉन्स्टेंट आईएस 800/2007 ने दी है। तो चारों में से जो कम कितना आया वो आया 0.606, तो मेरी केबी की वैल्यू होगी 0.606। ओके नाउ अभी हम क्या करेंगे, जब आप बोल्ट कनेक्शन डिजाइन कर रहे हो तो आपको बोल्ट वैल्यू निकालना होता है कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट आप लगाएंगे, तो वो कैसे निकालते हैं चलो वो बताऊंगा। सबसे पहले हम उसमें निकालते हैं डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, मतलब डबल शेयर है हमारा, ठीक है, क्योंकि डबल एंगल है, तो उसमें हमें यह पता करना है कि शेयरिंग स्ट्रेंथ हमारी कितनी है। उसका फार्मूला हमारा ऐसा रहता है 2 इंटू एफ यू बी अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 0.78 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन गैमा एमओ। देखो ये जो सारे फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले आईएस कोड में दिए, इसलिए डरने की कोई टेंशन नहीं है। ओके तो आपको बस यहाँ पे एफ यू बी की वैल्यू रखना है, ओके, और यहाँ पर आपको डी की वैल्यू रखना है और गैमा एमओ की वैल्यू रखना है। ओके तो ये तीन वैल्यू रखने के बाद आपको मिल जाएंगी शेयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपको आएगी 19.54 इंटू 10^3 न्यूटन। सिमिलरली हम निकालेंगे कि भाई उसकी अभी अभी तो मैंने शेयरिंग मतलब क्रैकिंग स्ट्रेंथ निकाली, अभी मुझे बेयरिंग स्ट्रेंथ भी निकालना पड़ेगा कि भाई कितना बियर कर पाएगा। तो उसका फार्मूला है 2.5 इंटू के बी इंटू डी टी एफ यू बी अपन गैमा एम बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी फिर से हमें सेम फार्मूला, के बी की वैल्यू रखना है, डी की वैल्यू रखना है, थिकनेस रखना है, एफ यू बी रखना है, गैमा एम बी रखना है, तो आपको मिल जाएगा डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ जो कि आई मेरी 77.568 इंटू 10^3 न्यूटन। नाउ अभी उससे क्या होता है, अभी मुझे बोल्ट वैल्यू निकालनी है, मेरा काम क्या था, बोल्ट वैल्यू निकालना। बोल्ट वैल्यू क्या होता है ध्यान में रखिएगा, बोल्ट वैल्यू इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेंथ वैल्यू और बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, मतलब जितना शेयरिंग स्ट्रेंथ है और बेयरिंग स्ट्रेंथ है इसमें से जो सबसे कम रहते ही नहीं दैट इज कॉल्ड एज अ बोल्ट वैल्यू। तो हमारी सबसे कम वैल्यू किस में आ रही है, हमारी कम वैल्यू आ रही है डिजाइन ऑफ बेयरिंग शेयर स्ट्रेंथ में आ रही है, तो वो है हमारी कितना 77.568 इंटू 10^3, तो ये हो जाएंगे हमारी क्या बोल्ट वैल्यू, ठीक है। अभी मेरे पास जब बोल्ट वैल्यू आती है, अभी मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को कितने बोल्ट लगने हैं, लेकिन वो कैसे निकलेंगे। देखो आपको बोला गया था कि मैं इतना लोड अप्लाई करूंगा, मतलब आपको पीयू दिया था 250 इंटू 10^3, और आपकी बोल्ट वैल्यू कितनी आई 77.568 इंटू 10^3। तो जो लोड आपको दिया है और बोल्ट वैल्यू से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको नंबर ऑफ बोल्ट मिलेंगे कितना 3.22, मतलब हम राउंड अप करेंगे 4 नंबर। इसका मतलब क्या, हमें 4 बोल्ट प्रोवाइड करने हैं इस पूरे डिजाइन के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, अभी तो हमारा बोल्ट हो गया, अभी हम चेक करें किसके लिए करेंगे, फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेक्टेड सेक्शन, जो हमने सेक्शन सिलेक्ट किया है वो सेफ है इस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए या नहीं है, मतलब हमारी जो डिजाइन वैल्यू आ रही है पीयू जो हमारा आ रहा है, जो हमने सिलेक्ट सेक्शन किया है, इस लोड को कैरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन जो हमने सिलेक्ट किया है उसका एक इसका एरिया निकालो, एक का एरिया आया है 14.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अभी हम उसको आगे चल, टू आई से सेक्शन का हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, चलो ओके, ये सिंगल एंगल सेक्शन का एरिया है 1402 mm स्क्वायर। CXX CYY ये आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा जो कि आपका 2.22 सेंटीमीटर। IXX IYY भी आपको वही से मिल जाएगा स्टील टेबल से, सेम लाइन सेम रो, इस रो ये जो आपने एंगल सेक्शन सिलेक्ट किया उसी रो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके तो सबसे पहले हम इफेक्टिव एरिया निकालेंगे, इफेक्टिव एरिया क्या आएगा, इफेक्टिव एरिया इज नथिंग बट एक सिंगल एंगल सेक्शन का जो एरिया है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा आपका कितना 2 इंटू 1402, 1402 ये एक सिंगल एंगल का एरिया है, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल गया 2804 mm स्क्वायर।
अभी इफेक्टिव लेंथ निकालना है तो देखो, हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप इफेक्टिव लेंथ निकालते हो, ठीक है, जब डबल एंगल सेक्शन का थिकनेस आता है, डबल एंगल सेक्शन के बारे में बात होती है, तो हम उसको 0.85 इंटू यल सिलेक्ट करते हैं, तो वो आपको मिलेगा 0.85 इंटू यल हमें दी थी 2.5, हम उसको एमएम में कन्वर्ट किए 2.5 इंटू 10^3 करके, तो ये हमें मिल गया 2125 mm. ओके, अभी मुझे गामा मिनिमम निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गामा मिनिमम निकालने के बाद ही तो मैं एफसीडी वगैरह निकाल पाऊंगा, ठीक है. तो गामा मिनिमम निकालने के लिए दो फार्मूले, एक तो है, सबसे पहला है आपको आई एक्स एक्स निकालना होता है, फिर आपको आई वाई वाई निकालना होता है, ठीक है, फिर आई मिनिमम निकालना होता है, फिर आर मिनिमम निकलता है. तो आई एक्स एक्स कैसे निकलता है, जो भी आपका आई एक्स एक्स ऑफ वन एंगल है उसको दो से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जो भी आपका आई एक्स एक्स है उसको आप दो से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो टू इंटू ये आई एक्स एक्स ऑफ सिंगल एंगल हो गया, तो ये आपको मिल गया 1.428 इंटू 10^6 mm टू द पावर 4. ओके, अभी आई वाई वाई कैसे निकालेंगे, आई वाई वाई का सिंपल फार्मूला है, टू इंटू इन ब्रैकेट आई वाई वाई ऑफ सिंगल सेक्शन प्लस एरिया इन ब्रैकेट सी वाई 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 प्लस टी जी डिवाइडेड बाई टू, उसका स्क्वायर करेंगे और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है. तो ये सारे फार्मूले, ये फार्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्लियर. सो आपको आई वाई वाई मिल गया 3.35 इंटू 10^6 mm टू द पावर 4. तो इसमें से जो भी कम है, 1.428 कम है या 3.35 कम है, 1.428 कम है, तो वो आपका हो गया क्या, आई मिनिमम हो गया, ठीक है, दिस इज योर आई मिनिमम, क्योंकि ये सबसे कम है, दोनों में से एक वैल्यू कम है. अभी आर मिनिमम कैसे निकालेंगे, जो भी आपका आई मिनिमम आया है डिवाइड बाय ग्रॉस एरिया करेंगे, ठीक है, ग्रॉस एरिया कौन सा हो जाएगा आपका ये, और उसको हम डाल देंगे अंडर रूट में, तो अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम अपॉन ग्रॉस एरिया, तो ये मिल गया आपको 22.6, ठीक है, तो ये मिल गया आपको 22.6 आई मिनिमम. सो अभी हम क्या निकालेंगे, लैम्बडा निकालेंगे, क्योंकि हमें एफसीडी निकालना है, जैसे आपको एफसीडी मिलेगी तभी जाके हम लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल पाओगे, ठीक है. सो यहाँ पे मेन बात है कि आप लैम्बडा निकालोगे, लैम्बडा का फार्मूला क्या है, के एल डिवाइड बाय गामा एम एम, के एल तो हमारे पास है 2125, ओके, आर मिनिमम अभी हमने निकाला 22.6, तो ये मिल गया हमें 94.03. अभी आपको स्टील टेबल में जाना है, ठीक है, और स्टील टेबल में एफसीडी का एक कॉल, एफसीडी का आपका एक सॉरी आपको आई स्क्वाड में जाना है, और वहां पे आपको एफसीडी और लैमडा का आपको एक कोरिलेशन आएगा, ओके, जिसमें आपको देखो आपको एफसीडी की वैल्यू निकालना है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैमडा की वैल्यू कितने है, 94 आई, तो आपको 94 के लिए डिजाइन एफसीडी चाहिए, तो कैसे निकालोंगे, देखो 90 आई है, 94 आई है, तो ये कैसे रहेगा, 90 और 100 के बीच में 94 आता है, तो 90 के लिए जो भी आपकी एफसीडी वहां पे दी है वो लिख लो, 100 के लिए जो दिए है वो लिख लो, और 94 के लिए हम क्या करेंगे, इंटरपोलेट करके निकालेंगे, ठीक है. तो फार्मूला ऐसा रहेगा, ये y मुझे निकालना है, ये हो गया y1, ये हो गया y2, तो y1 plus y2 minus y1 in bracket x minus x1 divided by x2 minus x1, ठीक है. तो सारी चीजें इसमें डाल दो तो आपको मिल गया y, मतलब आपको क्या मिल गई, आपको ये वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू आपको ये मिल गई, ओके. अभी y मतलब क्या, आपको एफसीडी मिल गया 94.03 के लिए. तो अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी जो आपका ए है, जो आपका E है, यही जो आपका ग्रॉस एरिया आया है दो दो कॉलम दो एंगल का 2125, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस Y से, मतलब इस FCD से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके. तो ये हो जाएगा आपका 2804 इंटू 115.3335, तो ये मिल गया आपको कितना, 323.46, ओके. और ये जो लोडिंग कंडीशन है, दिस लोडिंग कंडीशन इज मोर देन आपका जो अवेलेबल लोड था उससे ज्यादा है, मतलब आपको 250 दिया था और आपका कितना आ रहा है, 323 आ रहा है, तो इसलिए देखो ये बहुत ज्यादा है, मतलब आपको 250 के लिए बोले थे लेकिन आपका कितना आ रहा है, 323 आ रहा है, मतलब आपका डिजाइन क्या है, सेफ है. तो इस तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपका डिजाइन प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो सकता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से सॉल्व करने में. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गाइज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए. और इस वीडियो के साथ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी 80,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं इस वीडियो के पहले. सो आई एम वेरी वेरी थैंक यू कि आप सब लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की है, और थैंक यू वेरी मच गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय.